समझो यार, ए भाई मुकेश तू हेरा मुकेश Happy Ganesh Chaturthi to you and to your family. It's great to see you on such an auspicious occasion. Tell us how long you've been celebrating this and what does Ganesh Chaturthi mean to you? माता पिता की पूजा करने के बाद प्रथम पूजा के प्रार्थना के सर्वमान्य भगवान गणेश जी की आज गणेश चतुर्थी की सभी चाहने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप ये सदैव प्रेम जो है ये रहे, और साथ साथ ये प्रार्थना करता हूँ कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा गणपति बप्पा मोरया। कितना खास होता है ये पर्व आपके लिए, ये दिवस आपके लिए? बहुत शुभ और बहुत अच्छा है। और मम्मी जिस वक्त थी उस वक्त से आप प्रार्थना हो रही है, और ये सदैव शुभ रही है। और 29-30 साल हो गए फिल्म लाइन में हम, और जिस बिन ऑलवेज लकी हर वो जो बच्चे जो माता पिता की सेवा करते हैं उनकी ईश्वर की तरह उन्हें मानते हैं। और ऐसे बच्चे लोग जो हैं वो लोगों के लिए ये सदैव शुभ है कि उसमें जग की कृपा, संपूर्ण नवग्रह की कृपा कैसे हो जाती है, ये सोचने लायक है विषय। और विषय से ये बियॉन्ड है, ये ऐसा ये प्रार्थना है कि जिसके साथ में जो यंगस्टर जहाँ जहाँ पे ये लोग मेरा इंटरव्यू इस वक्त देख रहे हैं, मैं उन लोगों से विनती करता हूँ कि वो लोग सदैव माता पिता के चरणों में रहें, और उससे वो लोग वो पा जाएंगे जो लोग सोच भी नहीं सकते। गोविंद जी, कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में पिछले साल भी आपने जिक्र किया था, इस बार भी हमारे व्यूअर्स या जो देख रहे हैं, आपको कुछ खबरें देना चाहे तो किस तरीके से आप 2016 में नए प्रोजेक्ट्स, नई चीज़ें क्या? जी, नए प्रोजेक्ट और नई चीज़ें वगैरह सब तो अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करूँगा। जो फिल्म मैंने काफ़ी वर्ष से, आप लोग हर साल आते हो, प्रश्न पूछते हो कब लग रही है, तो फिल्म का उस फिल्म का इस वक्त ये नाम रखा है कि आ गया हीरो, इसका टाइटल है।
और 3 साल पहले ये फिल्म शुरू हुई थी। आज से 21 साल पहले आप लोगों ने फिल्म देखी थी जिसका नाम था हीरो नंबर 1। और ठीक है, 21 साल और थोड़ा ही अभी समय हुआ है। इसका टाइटल है जो फाइल ऑफ अभिनय चक्र थी, अब उसका टाइटल है आ गया हीरो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये फिल्म बहुत पसंद करेंगे। मैंने इस फिल्म देखी है, मुझे सुपर हिट लगी है और गणेश जी की कृपा से बाहर तो फिल्म लाइन की तरफ से कह लीजिए या कहीं और से कह लीजिए, मैं किसी पे गलत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। आपका समय सही होता है तो सब सही होता है और ईश्वर किसी के साथ कभी गलत नहीं करते। परंतु ऐसा हुआ कि जो बहुत खास हम खास रहे, मतलब जिनसे बहुत उम्मीद थी मुझे कि कई लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से मुझे ब्रेक भी मिला फिल्मों में और इतने साल जो है फिल्म लाइन में हम कामयाब रहे। मैं किसी पे गलत टिप्पणी ना करते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ हुआ था कि 3 साल फिल्म रिलीज़ नहीं हुई और अब ये रिलीज़ हो रही है। मैं जिसे ये फिल्म बनाई है वैसे ही रिलीज़ कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब मेरा साथ देंगे और आप लोगों को मैं ये मेरा ऐसा सोचना है कि ये सुपर हिट है। अब आप लोग देखिए आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग क्या लगता है गोविंद जी, अगर कोई गाना है गणपति का तो कोई गाना है फेवरेट जो बॉलीवुड में जो बहुत प्रसिद्ध हो, ऐसा कोई गाना है आपका गणपति पे फेवरेट? मम्मी का मेरे जो उनका फेवरेट भजन जो है उसी के 2 लाइन गा सकता हूँ। जरूर जरूर। जागृत सदा पलक नहीं सो, नहीं जाऊं नहीं आऊं, मूल द्वार पे बंद लगाऊं, आसन सिद्ध कहलाऊं, नास अग्र पे दृष्टि ठहराऊं, श्वास में सूत जगाऊं, नहीं जाऊं नहीं आऊं, जागृत सदा पलक नहीं सो। गणपति बप्पा मूर्ति। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।